क्या क्या करना पड़ता है गाइस। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे हो एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हेयर केयर रूटीन के बारे में। सो बिफोर आई स्टार्ट, सबसे पहले वेरी हैप्पी रमजान, रमजान मुबारक आप सभी को। आई होप कि आपके रोजे बहुत अच्छे जा रहे हों। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस रमज़ान के पाक महीने में आप प्लीज़ प्रे करें मणिपुर के लिए, पालस्तीन के लिए, ताकि वहाँ पे भी पीस आ जाए, लोग शांति और खुशी से रह पाएँ जैसे कि हम लोग रह रहे हैं। इंशाल्लाह ऐसा होगा। एंड कमिंग बैक, तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो बनाया था स्किन केयर रूटीन के ऊपर, जिसे आपने बिल्कुल प्यार नहीं दिया, प्लीज़ देख लो यार उसको भी। तो हम लोग आज बनाएंगे हेयर केयर रूटीन के ऊपर और फॉर्मेट सेम रहेगा। पहले हम लोग बताएंगे कि ज़्यादातर लोग क्या चाहते हैं अपने बालों के साथ, हमें एक्चुअली में क्या चाहना चाहिए वो मैं बताऊँगा। फिर मैं सारे स्टेप्स बताऊंगा किस सीक्वेंस में आपको केयर करना चाहिए, और फिर मैं आखिर में बताऊंगा कि अगर आप नए हो, आपके बजट या टाइम का कंस्ट्रेंट है, तो आप कहाँ से शुरू करो। सबसे पहले आते हैं व्हाट डू वी एक्सपेक्ट। सो जनरली लोग अपने बालों से चाहते हैं कि उनका हेयर फॉल ना हो, उनके बाल ग्रे ना हो, वाइट ना हो, बेसिकली वो बहुत अच्छे दिखें। तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि हमारे बाल हेल्दी रहे, हमारा स्काल्प हेल्दी रहे, जिससे हमारा ऑब्वियसली हेयर फॉल रिड्यूस होगा, डैंड्रफ नहीं होगा। तो दिस आर द थिंग विच वी शुड एस्पायर। और ये मिथ होता है बहुत लोगों को कि लंबे बाल ज़्यादा झड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लंबे बालों में डैमेज ज़्यादा होता है। अगर आप लंबे बाल रख रहे हो, केयर नहीं कर रहे हो, रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हो, तो वो अच्छा देखने में नहीं लगेगा। दैट्स द ओनली कैच। बाकी छोटे बाल भी उतने झड़ते हैं जितने लंबे झड़ते हैं। सो आते हैं आप स्टेप्स के ऊपर। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, ऑयलिंग। जी हाँ, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, लोग बोलते हैं ऑयलिंग नहीं करना चाहिए, बट ऑयलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हेयर केयर रूटीन। पर हाँ, आपको ऑयल लगा के बाहर नहीं घूमना है, आपको नहाने से मैक्सिमम 2 से 3 घंटे पहले ऑयलिंग करना है। इट्स बेटर कि 1 घंटा पहले करो, ऑयल करो अच्छे से, स्काल्प को मसाज करो बहुत ही केयरफुल। अगर आपको ऐसा लगता है आपका स्काल्प गंदा है, यानी धूल और डस्ट और पोल्यूशन आपसे आप घूम के आए हो, तो मत करो। मैक्सिमम आप इसको वीक में 2 बार कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अगर आपको करना है तो। और ऑयलिंग सिर्फ और सिर्फ शैम्पू से पहले। ऐसा नहीं कि आपने पहले शैम्पू कर लिया फिर बाद में आप ऑयल लगा करके बाहर घूम रहे हो, दिस इज़ वेरी बैड फॉर योर स्कैल्प। क्योंकि हमें, हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है नेचुरल ऑयल को मेंटेन करना, ठीक है। अब दूसरा स्टेप पे आते हैं, शैम्पू। जी हाँ, शैम्पू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको शैम्पू कितनी बार करना है, तो वो भी आप मैक्सिमम वीक में 2 बार कर सकते हो। बाकी आपको आपके जो स्कैल्प का जो नेचुरल ऑयल है उसके हिसाब से एडजस्ट करना है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में ब्रीफ करता हूँ। होता क्या है, हर एक इंसान के अंदर जो नेचुरल ऑयल रिलीज़ होती है वो एक अलग फ्रीक्वेंसी में रिलीज़ होती है, उस हिसाब से आपको शैम्पू करना है। किसी इंसान को 3 दिन में इनफ है, किसी को 4 दिन में इनफ है शैम्पू करना, किसी को 5 दिन में। हमें ट्राई करना है कि जब आपको, आप ऐसा उंगली रखो और अपना हाथ को चेक करो, अगर आपको बहुत ऑयली फील हो रहा है, दैट मीन्स कि आपको शैम्पू करने की ज़रूरत है। और कौन सा शैम्पू यूज़ करना है, कितना फ्रीक्वेंसी में करना है, ये आप हिट एंड ट्रायल मेथड से ही जान पाओगे। अगर आपका हेयर डैमेज बहुत ज़्यादा है तो गो सी ए डॉक्टर, अदरवाइज आप हिट एंड ट्रायल करके यू कैन गेट इट कवर। थर्ड स्टेप इज क्लेंजर। बेसिकली जैसे फेस वॉश का अल्टरनेटिव था, वैसे शैम्पू के लिए भी एक अल्टरनेटिव आता है क्लेंजर, जो कि थोड़ा माइल्ड होता है। तो आप थर्ड स्टेप में क्लेंजर यूज़ कर सकते हो। बाकी क्लेंजर का फ़ायदा यही है कि अगर कई बार ऐसा होता है कि आपने कहीं बहुत धूल वाले जगह में चले गए, आपका बाल बहुत गंदा हो गया और आपको 2 से ज़्यादा बार शैम्पू करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप क्लेंजर यूज़ करोगे। सिंपल। तो मैक्सिमम आप क्लेंजर वीक में 3 बार यूज़ कर लेना, उससे ज़्यादा मत ही करना। सो चौथा स्टेप है हमारा कंडीशनर। कंडीशनर काफ़ी अगेन कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है, लोग बोलते हैं कि नहीं यूज़ करना चाहिए, आदत लग जाती है, बट कंडीशनर इज़ अ गुड थिंग। कंडीशनर आपके बाल को टाइम देता है। बेसिकली देखो, कोई भी ऐसा चीज़ जो कि शैम्पू के बाद आप यूज़ कर रहे हो, वो आपके स्कैल्प के लिए नहीं बनी है, वो आपके बाल, मतलब आपको आपके रूट से 1/2 इंच का स्पेस देना है, वहीं पर आपको जो भी करना है करना है, ठीक है। कंडीशनर लगाओ, उसको छोड़ो थोड़ी देर के लिए, मैक्सिमम 2 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं, एंड देन क्लीन इट ऑफ। और कंडीशनर आप मैक्सिमम वीक में 1 बार यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। पहले शैम्पू या फिर क्लेंजर, उसके बाद फिर क्या, कंडीशनर। फिर उसके बाद हम आएंगे स्टेप नंबर 4 पे, जो कि है हमारा हेयर मास्क। अब हेयर मास्क अगेन मैं बोलूँगा नेचुरल लगाओ, एलोवेरा दही वगैरह को मिला करके। अलग वीडियो बनाऊँगा अगर इस पर व्यूज़ आएंगे, व्यूज़ नहीं आएंगे तो मैं नहीं बनाने वाला यार, बनाऊँगा, मजबूरी है। तो हेयर मास्क लगाओ स्टेप नंबर 4, और हेयर मास्क का भी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम मंथ में 2 बार, उससे ज़्यादा नहीं। एंड हमारा लास्ट स्टेप जो कि है सीरम। जी हाँ, सीरम इज़ इम्पॉर्टेंट। जिस तरीके से हम लोग फेस के लिए सनस्क्रीन लगाते हैं, सीरम बालों का सनस्क्रीन होता है। तो एक अच्छी क्वालिटी का, एक अच्छी कंपनी का सीरम यूज़ करो। क्या बताया था मैंने आपको, रूट पे बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि आपको नेचुरल ऑयल को डिसबैलेंस नहीं करना है।
आपको सीरम इस तरीके से आराम से अप्लाई करना अपने बाकी के बालों में, समझ रहे हो? दिस इज द वे। तो इसी के साथ आपका पूरा हेयर केयर रूटीन ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं कि बिकॉज ऑफ बजट एंड टाइम आपके पास, अगर थोड़ा शुरुआत में आप चाहते हो कहाँ से मैं शुरू करूँ समीर, मैं इतने सारे चीज़ तो एक साथ नहीं कर पाऊंगा, तो सबसे पहले आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करना शैम्पू के ऊपर। शैम्पू इसलिए क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो बहुत ही मतलब पॉल्यूशन डेंस कंट्री है और बालों में गंदगी बहुत होती है, नहीं तो फिर मैं फेस वॉश की तरह क्लेंजर आपको बोलता, पर क्लेंजर इनफ नहीं है बाल साफ करने के लिए। दूसरा इन्वेस्टमेंट आप करोगे ऑयलिंग के ऊपर, क्योंकि ऑयलिंग इंपॉर्टेंट है। आप ऑयलिंग कर लिए अच्छे से, फिर शैम्पू कर लिए, आपका बाल इज मोर देन एनफ यार, ये बहुत सुंदर दिखेगा, बहुत हेल्दी दिखेगा। तीसरा इन्वेस्टमेंट करो आप अपने हेयर मास्क के ऊपर। जी हाँ, आपने सही सुना, हेयर मास्क इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको चाहिए कि आपका बाल सिल्की दिखे या सुंदर दिखे या फिर डैंड्रफ रिमूव हो, तो आप अपना टाइम टू टाइम हेयर मास्क बनाओ। चौथा इन्वेस्ट आप करोगे कहाँ पे? सीरम के ऊपर, राइट। अब भी ये थोड़ा सा डिपेंड करता है कि आप कैसी जगह में रहते हो। अगर आपको धूप से कम एक्सपोजर है तो आप अगला इन्वेस्टमेंट कंडीशनर पे भी कर सकते हो, अगर आप धूप से ज़्यादा एक्सपोजर है तो आप सीरम पे कर सकते हो। तो चौथा और पांचवा इट्स सब्जेक्टिव, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले सीरम पे इन्वेस्ट करो और सबसे लास्ट में कंडीशनर के ऊपर इन्वेस्ट करो। तो ये हो गया आपका पूरा 5 स्टेप का हेयर रूटीन। अब इसके अलावा जो बोटॉक्स वाली चीज़ें होते हैं, मतलब इंजेक्ट विंजेक्ट, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग हेयर केयर के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। और लास्टली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका डाइट, आपका वाटर इनटेक एंड आपका स्लीप, जो कि स्किन के लिए भी था यार। आपके बदन में आप चाहो डालो अच्छे से अच्छी चीज़ें, फ्लैक्स सीड की रोटियां खाओ, उसका मैंने वीडियो बनाया, वो बाल के लिए गेम चेंजिंग चीज़ है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मुझे कभी भी अपने बाल को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे हमेशा से सुनने को मिला कि मेरे बाल बहुत बुरे हैं। एंड आज बहुत लोग चाहते हैं सो दैट दे कैन हैव ए हेयर स्टाइल लाइक मी, दैट्स वेरी इंप्रेसिव, राइट। अगर आप चाहते हो कि मैं अगला एक वीडियो बनाऊँ लॉन्ग हेयर कैसे मेंटेन करते हैं, मतलब किस तरीके से ऑफिस जाते हैं, किस तरीके से नहाते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, तो उसके लिए मैं एक ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। कुछ मिथ बस्ट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको रोज़ बाल नहीं धोना, मैंने आपको बता दिया। शैम्पू आपको वीक में मैक्सिमम 2 बार करना है, तो बाकी दिन ऐसा नहीं कि पानी डाल रहे हो, बाल को अच्छे से बांध लो पीछे या फिर आप एक हेयर रैप ले लो और गर्दन से नहाओ, ठीक है। और बाकी मिथ यह है कि लंबे बाल का मैंने बताई थी, अब लंबे बाल ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो ज़्यादा टूटते हैं, डोंट वरी, लंबे बाल करो पर उसको मेंटेन करो, सुंदर तरीके से सजा के अच्छे से रखो। एंड आई थिंक दैट्स इट। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो, आप बताना, मैं और इस बारे में बात करूंगा। और जो बात मैंने बोली है, प्रे फॉर एवरीवन, और ख्याल रखो अपना, अपने परिवार का। मिलते हैं अगले वीडियो में, अस्सलाम वालेकुम।